हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं शिवम, आप देख रहे हैं शिवम द मिस्टीरियस बॉय यूट्यूब चैनल। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि मैं मिडनाइट में 12 बजे के बाद बना रहा हूँ। मैं अभी ऑफिस का काम ही कर रहा था तो सिस्टम में कुछ इशू आ गया, तो मैं सोचा और मैंने अभी यूट्यूब पर कुछ अपडेट देखा तो सोचा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए शेयर करना। ध्यान देता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ मेरे सिस्टम में क्या हो गया। माई सिस्टम इज़ अपडेटिंग लास्ट 1 आवर। आपने देख लिया सिस्टम मेरा अपडेट हो रहा है। सो चलो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ पढ़ी, मैंने एक दो वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे। सो मैंने देखा है कि यूट्यूब क्या कर रहा है कि कुछ चैनल को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। सो उनको लग रहा है कि जो चैनल वो डिलीट कर रहे हैं वो सही है। उसका रीज़न क्या है कि मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ को वायलेटेड कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब ने कुछ चैनल को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। और हो भी सकता है कि आपका बहुत अच्छा चैनल हो, मोनेटाइज चैनल हो, आपके 1,00,000, 2,00,000, 10,000, 5,000 जो भी सब्सक्राइबर हो, यूट्यूब डिलीट करना स्टार्ट कर रहा है। उसका रीज़न मैंने, जैसा कि मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं और उन वीडियोज़ से मुझे पता चला है कि जो उन्होंने बोला है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि जैसे कि जो नॉलेज पर्पज़ के वीडियोज़ बनाते हैं, सपोज़ करो आपको पता करना है कि पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं, पैन कार्ड कैसे बनवाते हैं, आधार कार्ड कैसे बनवाते हैं, या कोई भी ऑनलाइन सरकारी जॉब है उसका रिजल्ट कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाते हो। सपोज़ करो आपने बताया कि हाउ टू अप्लाई पैन कार्ड ऑनलाइन, ठीक है। सो आपने जैसे ही उसकी वेबसाइट खोली, उसमें आपने एक्स वाई जेड किसी भी कैंडिडेट का नाम एंटर किया, आपने डिटेल एंटर की, तो आपने क्या किया कि यूट्यूब ये समझ रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो दैट्स वाई द रीज़न बिहाइंड ऑफ डिलीटिंग अ पर्टिकुलर चैनल, ये है रीज़न डिलीट करने का। तो आपको करना है क्या है कि अगर आप किसी भी चैनल को या किसी भी चैनल पे आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो लोगों के साथ में, तो आपको करना ये है कि आपको जो भी नाम एंटर करना है किसी भी चीज़ के लिए, आप किसी को फॉर्म भरना सिखा रहे हो, पासपोर्ट अप्लाई करना सिखा रहे हो, आधार कार्ड अप्लाई करना सिखा रहे हो, या आप किसी भी नॉलेज पर्पज़ से आप अपना वीडियो शेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको आप ब्लर कर देनी है इन्फॉर्मेशन ताकि लोगों को पता चले कि किसी का नेम। देखो अगर आप किसी का नेम लेते हो तो सीधी सी बात है एक्स वाई जेड तो नेम तो होता ही है ना, तो आपको वहाँ पर ब्लर करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा और विदाउट एनी नोटिस। मैंने देखा है विदाउट एनी नोटिस YouTube डिलीट कर रहा है चैनल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। फिर क्या करते हो कि आप लोग कोशिश करोगे चैनल को रिकवर करने का, तो रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा टेक चैनल है या इन्फॉर्मेटिव चैनल है जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो कि आपका यूट्यूब चैनल कैसे आप रिकवर कर सकते हो, या आप कोई भी फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो, या बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोग देते हो बैठे बैठे घर पे, तो मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को समझें। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो तो प्लीज़ आप पर्टिकुलर कंटेंट को आप एक बार ब्लर कर देंगे, ठीक है। और आप सोचेंगे कि जब चैनल आपका डिलीट हो जाएगा विदाउट एनी रीज़न तो यूट्यूब से आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जब भी कोई यूट्यूब चैनल डिलीट करता है तो वो आपको एक मौका देता है अपील करने का, ठीक है। वो आपको एक ईमेल करेगा, वहाँ पे एक ईमेल फॉर्म होता है, आप उस अपील फॉर्म को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपसे वो सजेशन मांगेगा या आपसे मांगेगा डिस्क्रिप्शन कि आपने आपका चैनल क्या था या आपको क्या करना चाहिए था। तो आप प्रॉपर उनको बोलोगे कि मतलब मेरा ये चैनल था और मैंने कोई भी पॉलिसी को वायलेट नहीं किया है, मैं लास्ट इतने ईयर से आपके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत चीज़ें अच्छी तरीके पता हैं, बला बला ये चीज़ आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो फॉर्म आपको बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद वो फॉर्म सबमिट करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप रिस्टोर कर दें। क्योंकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या आप जानते हो कि आप यूट्यूब पे बहुत मेहनत करते हो, बहुत काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हो, आपका चैनल चला जाता है, तो दुख की बात तो है क्योंकि उसको रिकवर करना बहुत ही कठिन काम है आज की डेट में। सो प्लीज़ गाइज ऐसा कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसी कोई भी चीज़ आप ना करें जिससे आपका चैनल डिलीट होने की नौबत आ जाए, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं तो आप बनाइए, लेकिन आप उसमें इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर दीजिए सो दैट आपके पास कोई भी टर्मिनेशन का पॉलिसी वॉलेट का ईमेल ना आए यूट्यूब से और आप अपना चैनल को रन करते रहें। क्योंकि अगर आपका चैनल डिलीट हो गया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता है जब चैनल डिलीट होता है तो कितना बुरा लगता है, ठीक है।
है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। शिवम द मिस्टीरियस बॉय, थैंक यू।